आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के द्वारा मेरे साथी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मोहम्मद इसाद और अता मोहम्मद जी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो हमारे हैं, आज हमारे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की क्यादत में पूरे मुल्क में जो कांग्रेस टास्क फोर्स बनी है कोविड को लेके, रिलीफ को लेके, वो आज हमने दो चार दिन से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बटोत में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आज हमने फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जो राशन वगैरह ज़रूरियात के सामान थे जो नीडी लोग हैं। तो मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब का कि जिनके क्यादत में ये काम जो हम सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं शुक्रिया करता हूँ हमारी मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का कि और रजनी पाटिल जी का, और ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं ये उनकी डायरेक्शन पे हमने ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये जो कोविड का सिलसिला बना हुआ है ये तो अभी कह रहे हैं थर्ड लहर भी, इसकी थर्ड वेव भी आने वाली है, मगर मैं यही कहूँगा लोगों से थोड़ी एहतियात बरतें, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जानते हैं मुल्क जो है हमारा वो उसकी जो हालत बने हुए हैं, क्योंकि आप देखिए जो NDA सरकार के द्वारा ऐसे हालत बन गए हैं कि जो GDP है हमारी वो माइनस जा रही है, क्योंकि हमारा कहाँ आत्मनिर्भर भारत बनना था। मुझे तो लग रहा है कि इस हिसाब से तो लोग फाके के किसी का शिकार हो चुके हैं और फाके किसी के शिकार होने वाले भी हैं और हो भी चुके हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा हमारे जो सीनियर लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से कि यहाँ पे थोड़ी तवज्जा दी जाए, यहाँ पे राशन का मसले हैं, जैसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए राशन की, लोगों को गांव-गांव में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फार फ्लांग एरिया हमारे डिस्ट्रिक्ट रामन में। तो मैं ये गुजारिश करूँगा और मैं शुक्रिया करूँगा गुलाम नबी आज़ाद साहब के, जिनकी डायरेक्शन पर आज मैंने ये किट्स यहाँ पर बांटी हैं और आगे भी बांटते रहेंगे। हमारे साथी अता मोहम्मद जी सेक्रेटरी हैं और मोहम्मद शाह की